यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे
प्रभुपाद 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 नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भुवन मंडल हरि नाम संकीर्तन की जाय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद अभय चरणबिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरिगोवर्धन की जाय। ब्रजभूमि श्री श्री वृंदावन धाम की जाय। नवदीप मायापुर धाम की जाय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ श्री पुरी धाम की जाय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जाय। श्री श्री गंगा माता की जाय। श्री श्री जमुना माता की जाय। श्रीमती भक्ति देवी की जाय। श्री तुलसी महारानी की जाय। श्री श्री गौरनिताई की जाय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जाय। श्री श्री ललिता विशाखा राधेश्याम की जाय। समवेत भक्तवृंद की जाय। ऑल ग्लोरीज टू दिस असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू दिस असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू दिस असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ग्लोरीज श्री गुरु अंड गौरांग की जाय। तो सर्वप्रथम आप सबको श्रीमद् भागवत की कक्षा में स्वागत है। आपकी शरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भगवत गीता का आज ये अध्याय जो अष्टम अध्याय है श्लोक संख्या 10 उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे आप कृपया दोहराएंगे। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बले न चैवम भ्रुवो मध्ये प्राणमवेश सम्यक् सतं परं पुरसमुपोति दिव्यं प्रयाण काले मनसा चलेनाम भक्त्या युक्त योग बलेन चैवम् भुवो मध्ये प्राणमवेश्य सव्यं शतं परं पुरुषमुपेति दिव्यं प्रयाणकाले मनसा चलेनाम भक्त्या युक्त योग बलेन चैवम् भुवो मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् सतं परपुरुषमुपैति दिव्यम्
प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसा मन से अचल न अचल दृढ़ भक्त्या भक्ति से युक्त लगा हुआ योग बले न योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चित ही भुवः दोनों मोह के मध्य मध्य में प्राणम प्राण को अवश्य स्थापित करे सम्यक पूर्णतया सह वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपेति प्राप्त करता है दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद की द्वारा। जगतगुरु शील प्रभुपाद जी महाराज की जाय। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को मोह के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अभिचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वो निश्चिंत रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भूहों के बीच, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके बीच में ले आए। यहाँ पर षड चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें छह चक्रों पर ध्यान लगाया जा सकता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावना मृत्यु में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें अध्याय श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि योग के अभाव में चाहे वो षड चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था का भाव जो को प्राप्त नहीं होता। कई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी ना किसी योग का विशेषताया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं। छः में अध्याय आठ में रहता है, भगवान कहते हैं यं यं वापि स्मरण भावं त्यजेत्यन्ते कलेम्बरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो मृत्यु के समय हमें पूर्णता की प्रक्रिया, जो पूर्णता की प्रक्रिया को पूरा करना होता है, मतलब मृत्यु की समय जो हमारा शरीर में जिस दिन शुरू से लेकर अंत तक उसको पूर्णता किया जा सकता है। किस प्रकार? भगवान कहते हैं जो जन्म मृत्यु परे शील छोटा प्रभुपाद जी का छोटा किताब होता है जन्म मृत्यु से परे, उसमें प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दिए हैं। मैं जो बताया पूर्णता का क्या मतलब है,
उसमें एग्जाम्पल ये आता है, एक स्टूडेंट ने 5-7-6 साल मेहनत करके अपना एजुकेशन कॉलेज में जाकर पढ़ता है, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है अंत में, उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो उसको पूर्णता कहा जाता है, उसका जीवन में पूर्णता वही है स्कूल का करियर में जो पढ़ाई किया। लेकिन इधर जो बताते हैं मनुष्य जीवन का पूर्णता माना जाता है वो अंत में परीक्षा देना पड़ता है। दूसरा चीज होता है किस प्रकार हमको तैयार करना चाहिए, ये जो पूर्णता का जो तैयारी होता है हमको किस प्रकार तैयार करना चाहिए। आपको थोड़ा कष्ट लगता होगा लेकिन ये श्लोक ऐसा है, समझने थोड़ा मेरे को लग रहा है समझने थोड़ा कष्ट होता होगा लेकिन श्लोक इसी तरह वर्णन आता है। जीवात्मा शरीर से निकलकर किसी अन्य स्थान के लिए प्रयाण करता है, जीव की मृत्यु नहीं होती है, ये तो हम पहले आपको बताया स्वर्ग कैसे नरक कैसे चली जाते हैं, किंतु कुछ योगी ऐसे होते हैं अपना प्राण को शीर्ष के ऊपर लेकर जहां इच्छा होती है वहां प्रयाण कर सकते हैं, ऐसे आप सुने हैं, ऐसे योगी होते हैं अपना प्राण को अपना शीर्ष के ऊपर लेकर जहां इच्छा होते हैं वहां वो त्याग सकता है, ऐसे योगी भी होते हैं, जिसमें आता है अचल मन के द्वारा। इस श्लोक में आता है अचल मन के द्वारा, भगवान कृष्ण कहते हैं जो अभ्यास योगी होते हैं जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं। जो अभ्यास योगी, कई प्रकार के योगी होते हैं लेकिन कृष्ण के लिए जो अभ्यास करते हैं, यदि जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है, मान लो जीवात्मा शरीर को छोड़ दिया किंतु मन श्री कृष्ण को चिंतन करना या स्मरण करना नहीं छोड़ता है, वो भगवद गीता 6:35-36 श्लोक में प्रभुपाद जी इसको अच्छी प्रपोर्ट में वर्णन किया है, जो मन बहुत चंचल है चंचल मन को बस करना कठिन है, लेकिन अगर अभ्यास हम करेंगे जो विरक्ति द्वारा इसको अचल कर सकते हैं, जो विरक्ति द्वारा चंचल मन को भी हम अचल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है जैसे दीप जलता है उधर हवा नहीं है वो अपने आराम से जलेगा, अगर हवा चलेगा तो दीप इधर उधर होगा, है कि नहीं, उसी प्रकार योगी को कंपेयर किया गया है। तीसरा है भक्ति से युक्त हुआ, इधर जो अभ्यास योगी होते हैं और जो भक्ति योग होते हैं उनके विधि अलग अलग है, एक अभ्यास योगी और एक भक्ति योगी अलग अलग होता है। भक्ति जो कैसा होता है, बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्ति नहीं कर सकता है, भक्ति योगी बिना कोई भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ भक्ति योगी में कृष्ण प्राप्त होते हैं। निरंतर कृष्ण भावना मूर्त में रहने से मृत्यु समय में योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। प्रभुपाद जी ने ये जो कृष्ण भावना मूर्त बनाए, ये कृष्ण भावना मूर्त में निरंतर रहने से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। किसी भी योगी का अंतिम परिणति भक्ति योग होता है, जो योग साधना करते हैं कई प्रकार योग करते हैं लेकिन उनका अंतिम परिणत क्या होता है, भक्ति योग में आना है। चौथा है योग बल के द्वारा, जो योग बल के द्वारा भी श्लोक में आता है, चौथा पॉइंट आता है, इसमें 6 पॉइंट मैंने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है। योग के अभाव में जो 60 चक्र योगी होते हैं किंबा जो भक्ति योगी भी होते हैं मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। इधर जो भक्ति योगी आता है मतलब सेवा करता है, मन भगवान की चरण कमल में नहीं जाता है, इस प्रकार की भक्ति योगी हमारे में वर्णन है। भक्ति योग अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, अतः आध्यात्म जो आध्यात्म जगत है आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है,
जो मुकुंद माला स्त्रोत्र होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी अच्छी तरह से कई बार ये श्लोक पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो कुलशेखर ने अपने बताए हैं। कृष्णा त्वदीया पद पंकज पंजरांत मदैव मे विशूत मनास राज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात पीते कंठो बरदनाबिदो स्मरण कृतंस्ते। क्या कहते हैं? हे भगवान कृष्ण, कुलशेखर प्रार्थना करते हैं भगवान को, ये श्लोक का मतलब आप सुनिए थोड़ा। इस समय मेरा मनोरूपी राजहंस को अपने चरण कमल के डंठल के जाल में प्रवेश करने दो। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ बात तथा पीत से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकता है? ये कुलशेखर लिखे हैं। तो जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण इधर छह चक्रों का ऊपर ध्यान लगाया, यह अभ्यास जो सिद्धि प्राप्त के लिए नहीं है, कृष्ण को प्राप्त के लिए ये जो छह चक्र के बारे में बताया गया है, अगर इस तरह अभ्यास हम करें तो करने से क्या होता है, व्यक्ति का प्राण एवं मन उनके ऊपर जो अधिकार प्राप्त किया था, अपने इच्छा अनुसार प्राण को रोक सकते हैं, मन को जब चाहें तथा जहां चाहें वही लगा सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन काल में मन को संसार से हटाने तथा श्री कृष्ण में लगाने का अभ्यास करता है, तभी प्रायाण काल में ऐसा योग बल प्राप्त होता है। तो संसार से मन हटना इतना संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट, दोनों भुवों के मध्य में प्राण को पूर्णतया स्थापित करके। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति है कि वे प्राण को मोहों के मध्य में ले आए, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इसको मध्य कुंडलिनी योग कहा जाए, हम जो कहते हैं कुंडलिनी योग कहते हैं। कुंडलिनी योग में आपको छह प्रकार चीज मिलता है। पहला चीज ये होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ये होता है, वो गुदा के स्थान में रहता है जो प्राण वायु। फिर अधिष्ठान चक्र, अधिष्ठान चक्र मूलाधार से चक्र से ऊपर है जो प्राण वायु, जोगी जब अधिष्ठान चक्र के प्राण को ऊपर उठाते हैं। फिर अधिष्ठान चक्र से ऊपर हो गया मणिपूरक चक्र, उसी चक्र से फिर ऊपर उठाते हैं। अनाहत चक्र, प्राण वायु धीरे धीरे ऊपर आता है। विशुद्ध चक्र, उसका ऊपर आ गया। फिर आज्ञा चक्र, जो उत्तर दिशा में अपने मुख करके पद्मासन में, जो इसी जो आसन है आसन में बैठते हुए योगी अपना प्राण को, जिसको कहते हैं सुष्मन्ना, जो नर्व्स होते हैं उसको सुष्मन्ना कहते हैं संस्कृत में, उसी नर्व्स के मार्ग से अपना प्राण को गतिशील करता है। शरीर में नौ प्रकार का द्वार होता है, हमारा जो शरीर में जीवात्मा निकल जाता है ये नौ प्रकार के द्वार से निकलता है, जिसके बताया गया है जो पापी व्यक्ति है उनके शरीर के लिए दो प्रकार के द्वार है, जो नीचे की तरफ से जो मल का और मूत्र का द्वार है, जो बहुत पाप करते हैं उसी द्वार से उसका प्राण चली जाता है। जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं, जो ऊपर का रहा सात प्रकार का द्वार, उसी से उनका प्राण निकलता है। सात प्रकार द्वार क्या होता है, मुंह हो गया एक, दो नाक हो गया, आँख हो गया और कान हो गया, ये सात प्रकार के द्वार कहते हैं। छठवां पॉइंट ये होता है, ओहो उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है।
श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोक में लिखते हैं, परम सत्य निराकार या शून्य नहीं है। परम सत्य क्या है? भगवान। भगवान शून्य नहीं है, निराकार भी नहीं है। परम सत्य निराकार शून्य नहीं है। निराकार शून्य का चिंतन आप कैसे कर सकते हैं? जो निराकार है, कुछ का नहीं है, शून्य है, आप कैसे उनका चिंतन कर पाएंगे? कई प्रकार के एग्जाम्पल भी आता है उसमें। जिस इस कक्षा में हम बैठे हैं, ये कक्षा, इस हॉल का कोई आकार है, सेपान साइज है। अगर भगवान का कोई निराकार है, शून्य है, तो क्या आप सोचेंगे? लेकिन श्री कृष्ण का चिंतन सुगम है, सत्य की रूप में वर्णित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास जोगी अपने प्राण को ऊपर उठा करके परम पुरुष जो स्थान में जाते हैं, जो अभ्यास जोगी प्राण में ऊपर उठा करके भगवान के नित्य धाम में जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा भी बताते हैं, वेणु कणंत मरबिंद दलायताक्ष बहावत समसीतांब सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभं गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। श्री श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान का रूप के बारे में वर्णन किए है। जैसे इधर आता है भगवान निराकार है, शून्य है, ये जो आया प्रसंग, लेकिन ब्रह्मा जी रूप बताते हैं कैसे भगवान, जो वेणु बजाने में दक्ष है। वेणु मतलब समझते हैं, बांसुरी जिसको कहते हैं। कमल की पंखुड़ियां जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, कमल की पंखुड़ियां भगवान की आंख हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, भगवान का सिर में जो मोर पंख देते हैं हम, जिनके अंग नील बादल के जैसे अत्यंत सुंदर है, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ व भजन करता हूँ। गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी अपना स्तुति में ये बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अभ्यास योगी सही विधि से अभ्यास करें, वह श्री कृष्ण धाम को जा सकता है। मतलब जो अभ्यास योगी सही विधि से अभ्यास करे, किस प्रकार का अभ्यास यह वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी बंगला में एक चीज लिखते हैं, मैं आप गाता हूं, आप सर सुन लीजिए। अचल मन ते यवा प्रयाण करी ते कि भक्ति युक्ति हाय जोग बले भ्रुव मध्य राखी प्राण यही हय से स्मरण दिव्य पुरुष तहार मिले। अचल मन ते ये वा प्रयाण करिते किबा भक्ति युक्त हय जोग बले भ्रुव मध्य राखी प्राण यही हय से स्मरण दिव्य पुरुष तहार मिले। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको अच्छी तरह से श्लोक कोट किए हैं। तो इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अभ्यास योग के बहुत जो प्रयांत करते हैं करने से
कई कई दिन नहीं, कई कई साल नहीं, कई कई महीने नहीं, हर निरंतर जो प्रयत्न करते हैं तो दिव्य पुरुष के रूप में मेरी प्राप्त होते हैं। मतलब भगवान कहना चाहते हैं दिव्य पुरुष के प्राप्त हैं, मेरे को वो प्राप्त होते हैं। शुरू से अंत देकर अभ्यास जो के बारे में इस श्लोक में वर्णन है। थोड़ा कष्ट होता है श्लोक आपको समझने के लिए, मेरे को पता चलता है, परंतु जो भक्ति का अभ्यास करता है उन्हें मेरी प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आता है। जो भक्ति का प्रयास करते हैं, चैतन्य चरितामृत में, हरिदास ठाकुर की महिमा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अच्छी तरह वर्णन किया है। और महाभारत में आप देख सकते हैं पितामह भीष्म में शुरू से लेकर अंत तक भगवान का प्रतीक्षा किए हैं, और सूर्य को गति का, जो सूर्य का गति को उत्तरायण के लिए वो अपेक्षा भी किए हैं, भगवान को सामने पाकर अपना शरीर छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार आप चैतन्य चरितामृत में देख सकते हैं जो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किए हैं, हे भगवान मेरा अंत समय में आप ऐसे मेरे को कृपा कीजिए, आपके जो श्री चरण कमल मेरा बक्ष छाती के ऊपर रखी है। और चैतन्य महाप्रभु बोले और क्या चाहिए, चारों तरफ संकीर्तन होना चाहिए, जो संकीर्तन करते हैं उनका जो पाँव का जो धूल है, रज कीर्तन तो घूमते हैं ना, जो पाँव का रज धूल वो हवा से आकर जरा मेरा माथा में शरीर में पूरा लग जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ऐसे क्यों तुम मांगते हो, इतना जल्दी क्यों है, बहुत कुछ करना है हमको। नहीं प्रभु मैं बहुत रह नहीं पाऊंगा। तो ये कैसा योग होता है आपको पता चलता है, भगवान इधर बताते हैं, जो भक्ति का अभ्यास करता है उन्हें मेरी प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं होते हैं। भगवान को प्राप्ति के लिए कोई भी बाधा नहीं हुआ हरिदास ठाकुर के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु हर रोज जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर को जाते हैं, जगन्नाथ के मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ से पंडाल लोगों को मांगते हैं मेरे को कुछ महाप्रसाद दीजिए। चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं जो गरुड़ स्तंभ है मंदिर के अंदर, उसके पीछे खड़े होकर दर्शन करते हैं, गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। आज भी आप कोई जाए तो देख सकता है जब वहाँ खड़े होते बाएं तरफ दीवाल होता है, ये वाला तीन उंगली दीवाल में टच करते हैं, आज उनका उंगली का प्रिंट है, दब गया है दीवाल। चैतन्य महाप्रभु वहाँ खड़े होकर श्री श्री जगन्नाथ श्री श्री बलदेव सुभद्रा महारानी को दर्शन करते हैं। जब महाप्रसाद लेकर वहाँ से आते हैं गंभीरा की तरफ, सिद्ध बकुल की तरफ, तो वहाँ हरिदास ठाकुर बैठ कर भजन करते हैं। क्या भजन करते हैं आप सब, दो हाथ ऐसे उठाइए, प्रेम से कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार निरंतर भक्ति में सेवा करते थे, जप करते हैं। हरिदास ठाकुर का दो चीज था, पहला श्रीमती तुलसी का सेवा करना और भगवान के नाम में रुचि, हमेशा 300,000 नाम रोजों करते थे। खाने के लिए भी भूल जाते हैं, इसलिए भगवान रोज उनके लिए जगन्नाथ मंदिर से महाप्रसाद जो मटका है वो पकड़ कर लाते हैं और उनके पास रखकर महाप्रभु चले जाते हैं समुद्र की तरफ स्नान करने के लिए। कौन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु। जब स्नान करके आते हैं तो हरिदास ठाकुर को बैठते हैं, तुम अब प्रसाद पालो। हरिदास ठाकुर कभी कभी बोलते हैं प्रभु और थोड़ा बाकी है, क्या पैसा गिनना नहीं, माला बाकी है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु प्रतीक्षा करते हैं, हाँ कर लो। इश्यू को कहते हैं योगाभ्यास, जो निरंतर योग में युक्त रहते हैं। तो ऐसे उनको प्रसाद खाते हैं और वही भिक्षा मांगे हैं,
कब मेरा शरीर छूटेगा, आप वहाँ रहेंगे, पता नहीं आप तो भगवान अंतर्जामी कहाँ भाग जाएंगे, तो शरीर मेरा कैसा छूटेगा, मैं आपको तो देख नहीं पाऊंगा। तो भगवान सबका मनरथ जानते हैं, विशेष करके किसी का जाने ये ना जाने भक्त का जरूर जानते हैं। तो उसी का मनरथ को पूरा करने के लिए अगले दिन शायद भगवान हमेशा 1 बजे आते हैं, 12 से 1 बजे के अंदर हरिदास ठाकुर के पास पहुंच जाते थे, अगले दिन 10:30 से 11 से पहले पहुंच गए, पहले श्री मंदिर की तरफ गए। जब पंडाल लोग आए दर्शन किए, पंडाल लोग पूछते हैं आप आज तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ ऐसे कुछ आज विशेष काम है, वो तो भगवान ही जाने, पंडाल लोग का कोई मतलब नहीं है विशेष काम क्या होता है, कुछ विशेष काम है इसलिए हम जल्दी आए हैं, तो क्या महाप्रसाद मिल सकता है। तो पंडाल लोग कहीं ना जुगाड़ करके ठाकुर जी का प्रसाद चैतन्य महाप्रभु को दिए। तो चैतन्य महाप्रभु उसी महाप्रसाद को लेकर, और महाप्रभु ये डिक्लार कर दिए थे कि आज अच्छी तरह से कीर्तन होगा, सारे भक्त वहाँ आ गए थे संकीर्तन में योग देने के लिए। जैसे हमारा जब रथ यात्रा होता है अगले महीना 20 तारीख को, आपको पता है मथुरा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ यात्रा है, तो आप सब वहाँ पे विराजमान कीजिए, ठाकुर जी को रथ खींचने के लिए प्रयास कीजिए, अनंत कोटि जन्म का फल जगन्नाथ पूरा कर देते हैं। जो कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु वही भी जगन्नाथ है। तो जैसे मैं आप बताया तो भगवान पहुंच गए थे हरिदास ठाकुर के पास, बोले मैं जाकर अभी स्नान करके आता हूँ। हरिदास ठाकुर बोले आज इतना जल्दी क्यों है, वो भी नहीं पूछे कि आज उनका अंतिम दिन है, भगवान जानते हैं, इतना जल्दी क्यों है आप, जल्दी वहाँ प्रसाद लाए, क्या कारण है, कीर्तन आज क्या फेस्टिवल है, बहुत भक्त लोग आए हैं कीर्तन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले संकीर्तन शुरू करो, क्योंकि भगवान जानते हैं समय की जो काल है पूरा होने वाला है। कीर्तन शुरू किए, उसका अंदर हरिदास ठाकुर प्रेम से विभोर होकर नृत्य करने लगे, भक्त मंडली चारों तरफ गोलाकार जो घूम घूम करके कीर्तन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले हरिदास तुमने कुछ मेरे को मांगा था पता है ना। हाँ प्रभु वो मेरे को अच्छी तरह से पता है, आज का दिन है वही। तो इतना खुशी से रोने लगे हरिदास ठाकुर ने, आंख दो आंखों से पानी का धारा निकलने लगा। वो जो जो मांगा था देख रहे थे अच्छी तरह से, धूल उड़ रहा है, संकीर्तन भी है, महाप्रसाद भी है, सामने भगवान है, लेकिन छाती के ऊपर पाँव नहीं है। मांगा था ना प्रभु जी आपके पाँव मेरा छाती के ऊपर रहना चाहिए। तो इस तरह कीर्तन करते 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 वो वे धूली में लेटने लगे हरिदास ठाकुर ने। तो जगन्नाथ पुरी में चारों तरफ ये न्यूज फैल गया, बहुत जोर से कीर्तन हो रहा है, महाप्रभु उदंड कीर्तन कर रहे हैं, चारों तरफ कीर्तन मंडली है और महाप्रसाद भी चल रहा है वहां पे। तो उसी अवस्था में वो नीचे सो गए हरिदास ठाकुर ने, चैतन्य महाप्रभु अपना रूप में आ गए, जो फॉर्म ऑफ भगवान श्री कृष्ण के रूप जो होता है गौरांग रूप में आ गए। बोलो गौरांगा गौरांगा गौरांगा, उसी रूप में आ गए और अपना चरण लेकर जब हरिदास ठाकुर के छाती के ऊपर रख दिए, तो हरिदास ठाकुर भगवान के जो श्रीमुख है दर्शन करते करते अपना जिसु का आज ये श्लोक चर्चा हो रहा है, प्रयाण, यही प्रयाण के बारे में चर्चा हो रहा था इस श्लोक में, शरीर से प्रयाण हो गया। कहाँ जाएंगे हरिदास ठाकुर का जो शरीर में जो जीवात्मा निकला कहाँ गया। बताओ गोलोक धाम सीधा गया, जो भगवान नित्य रासलीला में वही उनके भगवान के साथ सेवा में अवसर मिल गया। तो प्रसंग इसी प्रकार है, भगवान ने फिर
अपने हाथ से उनका संस्कार किए हैं, उनको सीधा हाथ में लेकर समुद्र में नहा लाए और वहीं पे गड्ढा बना करके उनका समाधि दिए अपने हाथ से। कितना भाग्यशाली होंगे हरिदास ठाकुर ने, आप सोचो, जो ठाकुर जी के हाथ में उनका संस्कार हो रहा है। ठीक उसी प्रकार राम जी के हाथ में किसका संस्कार हुआ था? जटायु का। कृष्ण के हाथ में, ये तो चैतन्य महाप्रभु की बात आ गया, श्री कृष्ण के हाथ में कुछ तो बताओ, सोचकर बताओ। बहुत सारे हैं भागवत में, आपको सब पता है, बहुत है। तो श्रील प्रभुपाद जी यही बताने के लिए जे कैसे हमारा पारायण अच्छे तरह से होए, होना ही चाहिए। जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमंग मम, जिसी धाम को हम प्राप्त करना चाहिए तो भक्त की संग में हम है। दूसरा चीज हमारा बेनिफिट है, श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं, जो इनका अधीश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी, उनका शासन चलती है। कृष्ण का शासन बाद में, राधा रानी का शासन हमेशा चलती है और चलते रहेगी। तो भगवान यही शिक्षा हमको देना चाहते हैं, किस प्रकार जो भक्ति योग है उसी भक्ति योग में हम मन को प्रवेश करके प्राण, हमका जो शरीर का जो आत्मा है, निकलना चाहिए। तो श्लोक इस प्रकार के रहता है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को, भों मतलब समझते हो, दो आंख ये जो बीच में भों, भों को मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अभिचलित मन को पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्त होती है। तो इधर हरिदास ठाकुर ने निश्चित रूप से भगवान का जो नित्य धाम उनको मिला है। तो आज की ये श्लोक का यही चर्चा हुआ, जिसमें जो कुछ समझ में आया नहीं आया, आप तो सो वरिष्ठ अधिकारी है, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। कथा के अंत में कुछ गलती हो जाता है, बोलने के लिए मेरा भाषा तो जैसे हिंदी भी नहीं है, कुछ रॉन्ग भी हो जाता होगा, मिस्टेक हो जाता, आप उसको सुधार लीजिए। किसका कोई प्रश्न है कथा के अंदर? कुछ समझ में ना, लेकिन ये श्लोक थोड़ा जटिल है, समझने के लिए कष्ट होता है, इसलिए मैं बहुत नोट करना पड़ा, आज कई सारे ग्रंथ से नोट करना पड़ा। लेकिन कुलशेखर जो कृष्ण तो दिया पद पंकज पंजरा अंते, ये बहुत प्रभुपाद जिसको बार 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 कई जगह में रिपीट किए हैं, जैसे हमारा मन भगवान के श्री चरण कमल में लगे, जिसको हम भगवान का नित्य धाम प्राप्त करें। एक मिनट कीर्तन करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जाय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जाय। समभेद भक्तवृंद की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंचा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय।